जो इनकी उपज है, ताकि जो इनका कार्य है, ताकि प्रभु जो इनका जॉब है प्रभु उसमें किसी भी प्रकार की अड़चने, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आने पाए पिता। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में, और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु आपके जीवन से दुष्ट के कार्य को नष्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं योएल की किताब में, योएल एक ऐसे समय की बात करते हैं जब उनके देश की फसलों को टिड्डियों ने नष्ट कर दिया। टिड्डियां आई और उन्होंने सारी फसलों को नष्ट कर दिया, और अब उनके पास भोजन वस्तुएं भी नहीं हैं खाने के लिए, मानो जैसे अकाल पड़ गया हो। एक ऐसे समय की वहां पर बात करते हैं कि बार बार टिड्डियां आती हैं और उनकी सारी फसलों को नष्ट कर देती हैं, और उनके जीवन में, उनके उनके देश में अकाल पड़ जाता है। हो सकता है दोस्तों कि आज आपके जीवन में भी कुछ ऐसा समय चल रहा हो जब दुष्ट आपका नुकसान कर रहा हो, जब वो आपकी फसलों को नष्ट कर रहा हो, जब वो आपके रोजगार में या फिर आपके बिजनेस में, आपके जॉब वाले स्थान पर या फिर आपके जीवन में कुछ गड़बड़ियों को पैदा कर रहा हो। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है, मलाकी की किताब उसका 3 अध्याय और 11 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैं उस नाश करने वाले को, यानी कि उस दुष्ट को ऐसे घुड़कूंगा, ऐसे भगाऊंगा, ऐसे लताड़ूंगा, ऐसे निकालूंगा कि वो फिर तुम्हारे उपजों को, तुम्हारी फसलों को नष्ट नहीं कर पाएगा। वो फिर कभी तुम्हारे फसलों को नष्ट नहीं करेगा, तुम्हारे पेड़ के फल कच्चे नहीं गिरेंगे, यानी कि फसल पूरी पकेगी, यानी कि वो फलवंत होंगी और वो लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर का वचन आज शाम में आपसे और मुझसे ये वादा करता है कि परमेश्वर उस दुष्ट को घुड़केगा, परमेश्वर उस दुष्ट को निकालेगा, परमेश्वर उस दुष्ट को भगाएगा, जिससे तुम्हारी भूमि क्या होगी, फलवंत होगी, उपजाऊ होगी, और तुम्हारे फल पकेंगे, वे कच्चे नहीं गिरेंगे, तुम्हारी फसलें नष्ट नहीं होने देगा कौन, परमेश्वर। और ये सब कब होगा, जब हम परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए ऐसे कार्य को करेगा कि आपके लिए वो उस दुष्ट को घुड़केगा जो आपकी हानि की कल्पना करता है, उस दुष्ट को घुड़केगा जो आपके लिए आपकी हानि की योजनाएं बनाता है, उस दुष्ट को वो आपके जीवन से भगा देगा। जैसे हम योएल की किताब में देख रहे थे, टिड्डियां आई और टिड्डियों ने सारी फसलों को नष्ट कर दिया, परंतु अंत में हम लोग देखते हैं कि वो सारी टिड्डियों को वहां से भगा दिया गया, और फिर से फसलें उपजाऊ हुई, फिर से फसलें फलवंत हुई, और फिर से देश ज्यों का त्यों हो गया, वो अकाल के दिन समाप्त हो गए। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में आज भी कर सकता है, यदि आप उसके पीछे चलेंगे, यदि आप उससे प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके जीवन में उन आने वाली उन टिड्डियों को, जो आपकी फसलों को नष्ट कर रही हैं, जो आपके जीवन में गड़बड़ियां ला रही हैं, जो आपके जीवन को बर्बाद करना चाहती हैं, उन्हें वो आपके जीवन से दूर कर देगा, आपके परिवार से दूर कर देगा, उन्हें वो घुड़केगा, उन्हें वो भगा देगा, उन्हें वो निकाल देगा, ताकि आप फलवंत हों, ताकि आप समृद्ध होते चले जाएं, ताकि आप आशीषित होते चले जाएं। उस समय में यदि आप देखें तो उनके पास रोजगार का केवल एक ही साधन था, जीवन यापन करने का केवल यही साधन था कि वो फलों की खेती करते थे, और इससे ही उनका जीवन यापन होता था। और आज के समय में आप देख सकते हैं कि आपका रोजगार क्या क्या साधन है, प्रभु उसे आशीषित करेगा, प्रभु उसे फलवंत करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मसीह की, मेरा नाम मरियम है, मैं रांची झारखंड से बोल रही हूँ। मैं 2 महीने पहले बहुत बीमार थी और मैं आईसीयू में एडमिट थी, तब मैं सिस्टर अमृता मसीह को व्हाट्सअप कर प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, और उन लोगों ने मेरे लिए प्रेयर कर दिए और मैं भली भांति चंगी हो गई। इसलिए मैं सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पीके मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और ईश्वर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और उनके मिनिस्ट्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की।
सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, और मैं आशा करती हूँ इस शाम में आपने प्रभु के वचन के द्वारा आशीष पाई है। और आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम सब के उद्धारकर्ता, हम सब के रक्षक, हम सब के उपाय करने वाले, हम सब के ओर से लड़ने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आज की शाम में हम सब मिलकर परमेश्वर पिता आपकी महिमा करते हैं, आपकी महिमा आराधना स्तुति आपके नाम को परमेश्वर ऊंचा करते प्रभु हम घटे परमेश्वर पिता, और तेरा राज्य प्रभु हमारे जीवनों में आए प्रभु, तू बढ़ता जाए और हम घटते जाए मेरे खुदावन। हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह अपने जीवनों से प्रभु तुझे धन्यवाद आदर सम्मान और प्रेम देते परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर पिता इसके योग्य परमेश्वर आप हैं मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु तू हमारा छुटकारा करने वाला परमेश्वर है, इंतजाम करने वाला, उपाय करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु हम सब तेरे नाम को सराहते प्रभु, उस नाम की प्रशंसा, उस नाम को जय जयकार देते परमेश्वर मेरे खुदा। दुनिया की छोर से प्रभु तेरे बेटे बेटियां उनका परिवार प्रभु मिलकर प्रभु इस प्रार्थना में शामिल हैं यीशु मसीह के नाम से, आप वहीं उन्हें आशीष दें, वहीं आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे, वहीं प्रभु अपने जीवन में आपकी उपस्थिति को आज की शाम में महसूस करे परमेश्वर। प्रभु जो भी समस्या परेशानी दुख बीमारी लेकर आए आज उसमें वो वापस न जाए, वरन उसका छुटकारा प्रभु अपने जीवन में देख सके खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु दिन भर के हर एक खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट से बचाया, नुकसान से बचाया प्रभु, गलत लोगों से, नेगेटिव बातों से, दुष्ट के बुरे हथियारों से बचाकर सुरक्षित आज हमें घरों पर रखा है पिता। और जहां कहीं भी तेरे बेटे बेटी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं वहीं प्रभु आपने उन्हें सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा है, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखा है, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज की शाम में मेरे पिता हम क्षमा मांगते प्रभु दिन भर के हर एक गुनाहों के लिए पिता, जो प्रभु हम सबके द्वारा हुए हैं पिता। यीशु तेरे बेटे बेटियां अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं, हर एक जन प्रभु अपने गुनाहों को तेरे आगे रख रहा है पिता। प्रभु तू उन्हें क्षमा कर प्रभु, क्योंकि तू क्षमा करने वाला प्रभु है। प्रभु तूने कहा है कि मैं तुम्हारे गुनाहों को काली घटाओं के समान और बादलों के समान मिटा डालूंगा परमेश्वर। ऐसे ही प्रभु इनके जीवन के इस गुनाहों को जो इनसे हुए हैं प्रभु आप उन्हें मिटाएं प्रभु, और इनके जीवन को पाक साफ करें परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, धन्यवाद करते हैं उस आत्मिक भोजन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने मोटिवेट किया, जिसके द्वारा आपने उत्साहित किया। सच में मेरे परमेश्वर पिता आप अपने लोगों के कारोबार पर, उनके प्रभु हाथ के कामों पर प्रभु आप आशीष देते, और दुष्ट प्रभु जो उनके विरोध में प्रभु रुकावटें, बाधाएं, परेशानियां, नुकसान को लेकर आता है प्रभु, उसको आप डांट कर दूर करते हैं प्रभु, उसको आप घुड़कते परमेश्वर पिता और उसका अंत करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी प्रभु इनके जीवन में प्रभु, इनके कारोबार में, इनके बिजनेस में, यदि इनके किसी भी काम के क्षेत्र में कोई भी नुकसान अभी आया है प्रभु यीशु मसीह, कोई भी रुकावटें आई हैं परमेश्वर पिता, तो आज इस वचन के अनुसार परमेश्वर कि आप उस परिस्थिति को घुड़ के परमेश्वर पिता, ताकि जो इनकी उपज है, ताकि जो इनका कार्य है, ताकि प्रभु जो इनका जॉब है प्रभु, उसमें किसी भी प्रकार की अड़चनें, किसी भी प्रकार की रुकावटें ना आने पाए पिता। ये वचन हम उनके लिए क्लेम करते हैं, और इस वचन के आधार पर प्रभु आप उनके बिजनेस की, उनके जॉब की, उनके काम की प्रभु रक्षा करें प्रभु, किसी भी प्रकार का नुकसान उनका होने ना पाए, क्योंकि प्रभु तूने कहा है कि तुम्हारे दाखलता के फल कच्चे ना गिरेंगे। हां परमेश्वर तेरी ये वाणी है प्रभु आज की शाम में प्रभु, हर एक भाई बहन के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके काम के लिए, उनके हर प्रकार के उस क्षेत्र के लिए जहां भी वो काम करते प्रभु, वहां पे प्रभु आपने कहा है कि मैं तेरा नुकसान नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी उपज में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दूंगा। उस नाश करने वाले को, उस विपत्ति लाने वाले को, उस नुकसान लाने वाले को मैं तुम्हारे जीवन से घुड़कूंगा। हालेलुया प्रभु, आज वो दुष्ट प्रभु जो इनके जीवनों में उस रुकावटें, परेशानियां प्रभु, मुसीबतें, मुश्किलें लेकर आता है, यीशु के नाम से हम उसे दूर करते परमेश्वर पिता। और प्रभु ऐसे समय में तेरे वचन को लेकर प्रभु उस विरोधी से परमेश्वर तेरे लोग प्रभु लड़ पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितनी प्रार्थना विनतियां परमेश्वर इस समय प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस प्रार्थना के माध्यम से आपके सम्मुख रख रहे हैं पिता, जब वो प्रभु अपने प्रभु जी जॉब के लिए प्रार्थना रख रहे प्रभु उन्हें जॉब दे मेरे खुदावन, जो अपने कारोबार के लिए रख रहे प्रभु उनके कारोबार पर आशीष दे प्रभु, जो अपनी फैमिली के लिए, फैमिली प्रॉब्लम्स के लिए प्रभु अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स को आपके आगे रख रहे प्रभु, वहां पर आप कार्य करें पिता प्रभु, जो अपने बच्चों के लिए, उनके अच्छे व्यवहार के लिए, उनके डिसिप्लिन होने के लिए, उनके प्रभु बुरी संगति से छूटकर, एडिक्शन से छूटकर नए रास्ते में तेरे आगे चलने के लिए प्रभु जी उत्साहित करने के लिए जब वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता, होने दीजिए परमेश्वर कि ऐसा उनके जीवन में होने पाए। आज रात में परमेश्वर आप इनके जीवन का सारा डर, सारी परेशानियां, व्याकुलता, बेचैनी दूर करें परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर पिता कि तू अपने लोगों
लोगों को पिता परमेश्वर ना तो कभी लज्जित होने देगा, ना वो कभी व्याकुल होंगे। हाँ परमेश्वर, इस वचन के आधार पर आप उनके जीवन में क्या कार्य करें और चैन दे, आराम दे परमेश्वर। आज रात में आप इन्हें अच्छी नींद दे परमेश्वर पिता, ताकि जब वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं, नया दिन जब आपके साथ में देखें, तो बारंबार प्रभु तेरी महिमा को करने पाएं। प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट बॉक्स के द्वारा आई हैं, जो तेरे बेटे बेटियों ने अपनी समस्या, परेशानी, दुख, बीमारियां, प्रभु जी कर्जे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, पारिवारिक समस्याएं रखकर प्रभु तेरे आगे रखी हैं, खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सुनकर, सुधि लेकर आप उनके जीवन में कार्य करें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आज जितने लोग अस्वस्थ, बीमार, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घरों में प्रभु अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ की कमी शरीर में हो गई है, इसी समय प्रभु आप इनकी शारीरिक कमी को, हर एक दुर्बलता को, हर एक वीकनेस को यीशु मसीह के नाम से हम दूर करते। प्रभु तेरा चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में बहने लगे, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक प्रभु आप उनके शरीरों को छूकर उन बीमारियों को नष्ट कीजिए और प्रभु इनको स्वस्थ, भला, चंगा कीजिए। धन्यवाद पिता, हर एक रोग, हर एक बीमारी यीशु तेरे पवित्र नाम के द्वारा इनके शरीरों को छोड़कर चली गई है, वो इनके शरीरों से नष्ट हो गई है और ये स्वस्थ, भले, चंगे हो गए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आज की रात में प्रभु इन भाई बहनों को आप आशीष दें, इनकी समस्याओं का समाधान करें और प्रभु इन्हें अपनी उपस्थिति में बढ़ाएं। प्रभु धन्यवाद करते, तेरे नाम से तेरे बेटे बेटियों को आशीष देते हैं और धन्यवादी हैं प्रभु कि आप हर शाम, हर सुबह परमेश्वर हमें इस संगति में बनाए रखते हैं। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।